ही नहीं कहीं बैंक रख किया ही नहीं कहीं भी यार। एक टाइम ये था कि यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे और आज टाइम क्या है कि बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में इस क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। पुलिस कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है, इस क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है कॉलेज की और यहाँ के आसपास के लोगों को बहुत इसका लाभ मिल रहा है। आज हमारे घर के आसपास ही ऐसे ऐसे आयाम फोनिक्स स्कूल लिख रहा है और चारों तरफ हमारे तरफ शिक्षा का उत्तराखंड बनने जा रहा है। फोनिक्स बहुत नए नए आयाम लिख रहा है शिक्षा के क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी। मतलब मजा ही पूरा आ रहा है, कल भी पूरा मजा लिया, आज भी पूरा मजा लिया। ऐसा परफॉर्मेंस होता ही नहीं कहीं बैंक रास्ते किया ही नहीं कहीं भी यार। वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट इन द उत्तराखंड, अच्छा परफॉर्मेंस होने का मजा ना लिया तो बेकार है जिंदगी में। पढ़ाई के मामले में सबसे नंबर वन है इंग्लिश, मतलब मजा सीखने के लिए जितना सीख सकते हो अच्छा और इतना परफॉर्मेंस कर सकते हो उतना अच्छा। अच्छे से अच्छे एक्टिविटी होती है, परफॉर्मेंस होता है, जैसे भी गेम में होते हैं गेमिंग सबसे बढ़िया होते हैं, लेकिन लेने वाले प्रतिभाग चाहिए, लेकिन यहाँ होती नहीं है। जितना मजा ले रहे हम ले रहे हैं बाकी बढ़िया हो ही रहा है। सर यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और इन इनसे बच्चों में ना कॉन्फिडेंट आता है, जैसे कि जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं और बच्चों का उत्साह बनता है ताकि वो कल्चर एक्टिविटी में भाग लें। और बाकी सब अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है, बच्चे भी अच्छे हैं यहाँ पे और हॉस्टल में भी बच्चे रहते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो तो आप देख ही रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरे इस कॉलेज के फैकल्टी से ज़्यादा मेरे सीनियर यहाँ के सपोर्टिव हैं और मैं इस कॉलेज का और जो भी है प्रोग्राम हो रहा है यहाँ से मैं बहुत खुश हूँ। ये इससे मतलब हम लोग को ये कंक्लूजन मिलता है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ मतलब इन्जॉयमेंट भी होना चाहिए, माइंड को फ्रेशनेस मिलता है उससे। तो ये और भी बहुत सारे बातें हैं जो कि मैं बिहार से हूँ जो कि मैं बहुत कम शब्दों में बयां करना चाहता हूँ। फोनिक्स इंस्टीट्यूट जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो दिया, आज से लगातार 15 साल चलते हो गए, मुझे हम देख भी रहे हैं और उम्मीद है कि फोनिक्स स्कूल हमारे देहात के क्षेत्र को जो शिक्षा की राह को आगे बढ़ाते हुए आज 15वां साल एनुअल फंक्शन मना रहे, तो आज मुझे खुशी है कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ हम सोच नहीं सकते थे, जहाँ शहरों में हुआ करते थे, आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ जैन परिवार को जिन्होंने हम 15 साल पहले जिन्होंने सोचा कि हमें जो गांव में भी खोलना चाहिए, तो इसके लिए बधाई के पास है। बिल्कुल आप दिखाई दे रहा है कि मैं पिछले साल भी आया था और इस साल माननीय मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी भी आ रहे हैं, विधायक जी भी आएंगे और हम देख रहे हैं क्योंकि नया आयाम ही है, क्योंकि मेरे ग्रामीण क्षेत्र के जहां सहारनपुर या हरिद्वार या कहीं अन्य दिल्ली गाज़ियाबाद जाते थे, आज हमारे घर के आसपास ही ऐसे ऐसे आयाम फोनिक्स स्कूल लिख रहा है और चारों तरफ हमारे तरफ शिक्षा का हब उत्तराखंड बनने जा रहा है। हम आज पूरे भारत को, मुझे उम्मीद है कि शिक्षा का हब अगर बनेगा तो उत्तराखंड ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर माहौल, यहाँ की आबोहवा, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ शिक्षा की एक पद्धति है और मुझे उम्मीद है कि भारत को अगर कोई शिक्षा का नगरी कहलाएगा तो उत्तराखंड ही कहलाएगा। अच्छा, त्रिवेंद्र जी कितने वोटों से जीत रहे जी? त्रिवेंद्र जी, ये तो आपको पता है कि जीत तो रही है ना, वो अलग बात है कि थोड़ा सा जो हमारा था उस पर कम वोट निकलने के कारण ये गर्मी महसूस करी वोटरों ने, क्या महसूस करा उसकी वजह तो भले ही कुछ हो, पर त्रिवेंद्र रावत जी 100% लाखों वोट से जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। त्रिवेंद्र रावत जी का नहीं, 5 लाख पार तो हवा में कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख पार भी हो सकता है, इसमें कोई नहीं। तो बात की तो जिस दिन वोट गिने जाएगी उस दिन पता लगेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। पर जो 5 लाख का नारा था वो भी हम साबित करके रहेंगे। आज का देखो आज कैसा रहा, आपकी उम्मीद है कि रोज़ बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हम ही से चूक रही होगी कि उस काम में। नहीं, आप देख रहे होंगे अभी शिक्षा नीति, हमारे देश ने नई शिक्षा नीति दी और शिक्षा पे माननीय धामी जी ने चाहे वो नकल पे रोक लगाई हो, चाहे माफिया पे रोक लगाई हो, आज देखे होंगे माननीय धामी जी के राज में
जो माफिया लोग हैं वो अपने आप ही जेल के अंदर पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे लग रहा है कि पूरे भारत इसको देखेगा उत्तराखंड को, और क्योंकि आपको भी लगा कि पहाड़ हमारा ऐसा है, यहाँ की हवा बहुत शुद्ध है, यहाँ का पानी बहुत शुद्ध है, छात्र वहीं चाहता है जहाँ उसका मन मस्तिष्क शांत रहे, और ये शांत प्रदेश है, यहाँ पे जरूर छात्र पूरे देश का पहुँचेगा। हम संस्कृति पब्लिक स्कूल भारापुर बोरी से आए हैं, और हमारे साथ ग्रुप डांस था और एक सोलो था, जो कि हम अपने भारापुर बोरी से इन बच्चों को साथ लेकर आए हैं, और अच्छा परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को हमने मौका दिया यहाँ पे आने का, और इनवाइट किया था हमारे फोनिक्स ग्रुप ने, तो हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने तैयारी की, और तैयारी करने के बाद यहाँ जो स्टेज पर आए तो देख के हमें अच्छा लगा, इनका डांस बहुत ही अच्छा डांस था। नहीं, हमारे बच्चों को खुद का भरोसा है कि वो खुद अपने लिए और उनकी जो तैयारी है उनको इतना विश्वास है कि वो अपना विजेता होके जाएंगे यहाँ से। मतलब अरुण कुमार अघोरी, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा स्टेज भी है, और हमने बहुत मेहनत से किया है, बहुत हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। सबसे पहले मैं फोनिक्स ग्रुप को और आगे लिए बधाई दूंगा, जो प्रत्येक वर्ष इनका चला आ रहा है और बहुत सुंदर आयोजन होते हैं फोनिक्स के गले से और पर, और आज इन्होंने एक प्रयास किया है हरिद्वार जिले के समस्त जो इंटर कॉलेज हैं उनके बच्चों को मौका दिया है आज अपने कैंपस में, और उनके बच्चों के द्वारा जो कंपटीशन हुए थे आज उनके जो फाइनल बच्चे आए हैं उनका आज यहाँ पे जो है कंपटीशन हो रहा है, और ये समर्पण के चेयरमैन वह समर्पण की पूरी वो फोनिक्स की पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा इस अच्छे आयोजन के लिए। फोनिक्स बहुत नए नए आयाम लिख रहा है शिक्षा के क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी, फोनिक्स की तरफ से सामाजिक कार्य भी बहुत किए जाते हैं, हमारी संस्था को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है समर्पण को, हर कार्य में समर्पण फोनिक्स की तरफ से हमें मदद दी जाती है। देखिए, जो सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है जिसे एनुअल फेस्ट हम लोग कहते हैं, निश्चित रूप से किसी भी संस्था का एक ये रीढ़ की हड्डी होता है, तमाम लोग जब यहाँ आते हैं और जो यहाँ बच्चे परफॉर्मेंस देते हैं तो सामने वाले बैठे हुए व्यक्ति को भी लगता है कि हमारे यहाँ का संस्था किस प्रकार से काम कर रहा है, और स्वाभाविक रूप से बच्चों में भी एक उत्साह रहता है, वो भी चाहता है कि हमारी परफॉर्मेंस हो, वो साल भर में क्या करता है, किस प्रकार से काम करता है, कैसे उसकी एक्टिविटी रही है, वो यहाँ प्रदर्शित करने का काम करता है, तो अच्छा लगता है कि ऐसे जो हमारे संस्थान हैं। मैं कह रहा था अपने वक्तव्य में कि एक टाइम ये था कि यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, और आज टाइम क्या है कि बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में इस क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। मैं संस्थान के प्रति भी, संस्थान के बच्चों के प्रति भी बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ, और जो उन्होंने प्रतिभा हासिल की है या जो सफलता उन्होंने हासिल की है उस सफलता का लाभ हमारे समाज को मिले, हमारे देश को मिले, यहाँ तक कि हमारे जो भी अपेक्षाएं समाज की रहती हैं अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए, ये अपेक्षा हम लोग हर संस्था के उस बच्चे से करते हैं जो सफलता की कुंजी हासिल करता है यानी सफल होता है, तो मैं इनसे भी ये अपेक्षा करता हूँ, ये अपना जो ओनर है, जो अपना इनकी प्रतिभा है, जो इनका अपना टैलेंट है, उसका लाभ हमारे समाज को ही मिले और यहाँ के बच्चों, हमारे समाज के बच्चों को मिले। मैं मान के चल रहा हूँ कि अब आप देखिए कितने सालों से ये यहाँ विद्यालय चल रहा है, हर वर्ष यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है, एक मान प्रतिष्ठा इसकी बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से किसी भी संस्था के जो परफॉर्मेंस होती है वो उसको आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होती है, तो उसी प्रकार से ये FCI भी यहाँ पे बढ़ रही है, मैं इसको बधाई दे रहा हूँ। सर, क्या सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राइवेट महाविद्यालय या निजी गवर्नमेंट महाविद्यालय मिल पाएगा? देखिए, कहीं भी आवश्यकता होती है उसके अपने एक मानक होते हैं, मानकों के अनुसार जब हमें लगता है कि मानक पूरे हो गए हैं तो हम प्रयास करते हैं कि सरकार का, चाहे वो महाविद्यालय की बात हो या प्राइवेट को महाविद्यालय बनाने की बात हो, हम लोग उसका प्रयास करते हैं। आप देखिए, आज हमारा प्रदेश जिसे हम छोटा सा प्रदेश कहते हैं, नवोदित प्रदेश कहते हैं, आज यहाँ इस प्रकार का जो एजुकेशन की यदि हम बात करें तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसको तो हम एजुकेशन का हब भी कहते हैं, और वैसे भी आप ये मान के चलिए अब शिक्षा की पहले से बेहतर स्थिति बनी है, 22-23 साल का आज हमारा उत्तराखंड है, उसमें एजुकेशन के नाम पे आज की तारीख में कहीं ऐसी कोई समस्या या कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जहाँ पे मांग हुई हो और सरकार ने पूरी ना की हो। सेठ बिमल प्रसाद जैन ट्रस्ट द्वारा संचालित फोनिक्स कॉलेज में आज मैं पहुँचा हूँ, यहाँ इनका एनुअल फंक्शन है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर करा है बच्चों के लिए, और इस तरह के कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे जब दिन भर पढ़ाई करते हैं तो एक एंटरटेनमेंट भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। फोनिक्स कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है इस क्षेत्र में, इसकी आवश्यकता है कॉलेज की, और यहाँ के आसपास के लोगों को बहुत इसका लाभ मिल रहा है।
और ये लगातार तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। निश्चित रूप से जो नए नए कोर्सेज हम लेकर आ रहे हैं और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बच्चों को पता लग रहा है और बच्चे जो है इसका लाभ ले रहे हैं और यहाँ इस क्षेत्र में इसकी बहुत आवश्यकता है और जो फॉरेस्ट कॉलेज पूरा कर रहा है।